हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके सामने फिर से अपने एक नए ब्लॉग के साथ प्रियांशी भंडारी राणा। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत आज क्या है कि रिया बहुत टाइम से बोल रही थी कि क्योंकि हम लोग लच्छीवाला गए थे, वहाँ पे हम स्विमिंग नहीं कर पाए, तो रिया बोल रही थी कि मुझे अभी घर जाना है, तो प्लीज़ मामी आप ना कहीं स्विमिंग करने के लेके चलो। तो अभी क्या है कि मैंने उसको बोला हाँ, हमारे घर के पास में स्विमिंग पूल है, तो तुम्हें मैं पक्का लेके जाऊँगी। तो आज मैं रिया को लेके जा रही हूँ स्विमिंग पूल। तो दोस्तों चलो फिर मिलते हैं आपको स्विमिंग पूल पे। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से स्विमिंग के लिए, मैं और रिया, और पीछे मासी भी आ रही है हमारे साथ। हेलो। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, ये है यहाँ का टिकट काउंटर। और अभी क्या है कि यहाँ पे एक एक घंटे का शिफ्ट होता है हर किसी का। तो अभी अभी जो बैच था वो निकल गया है, अभी शायद सेकंड बैच में अभी हम 3-4 ही लग रहे हैं अभी। तो दोस्तों चलो मैं आपको लेके चलती हूँ। दोस्तों अभी यहाँ पर गेट कीपर अंकल है और अभी हम यहाँ से चलते हैं अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है यहाँ का स्विमिंग पूल। लगता है इस वाले बैच में हम ही लोग हैं। दोस्तों आप देख सकते हो रिया और मौसी स्विमिंग पूल के लिए चले गए हैं ऊपर, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि शूज़ लेके ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे, जो कि अलाउ नहीं है। शूज आगे गेट के सामने उतार सकते हैं। तो दोस्तों ये पिक शूट करने के चक्कर से, और वहाँ से हमें आवाज़ें आ रही है कि प्लीज़ शूज़ उतार दो, ऊपर नहीं लेके जाना। और यहाँ पर हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं दोस्तों, जो कि आपको दिख रहा होगा। दोस्तों ये है यहाँ का स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाला रूम, और हमने यहाँ से ख़रीद लिया है स्विमिंग कॉस्ट्यूम। तो दोस्तों चलो फिर, इन्होंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन ली है मासी और रिया ने, और मैंने भी रेडी हो चुके हैं हम लोग, और हम अब करते हैं स्विमिंग करने की तैयारी। तो दोस्तों चलो आपके साथ। और हम जा रहे हैं अब स्विमिंग पूल में, और मेरी है इस साल की दूसरी बार की स्विमिंग, क्योंकि पहले हमने लच्छीवाला में की और दूसरी हम यहाँ पे हैं। इस साल की दूसरी स्विमिंग है आपकी, और हमारी इस साल की फर्स्ट स्विमिंग है ये। दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन ली है, और यहाँ पर मौसी और रिया स्विमिंग करने जाने वाले हैं। और आप देख सकते हो ये है 2023 की मेरी फर्स्ट स्विमिंग, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ जी, हम तो वीडियो बड़े हाँ हाँ मैं बना दूंगी यार। चलो फिर, पहले यहाँ पर क्या होता है कि स्विमिंग करने से पहले यहाँ पर पहले शावर लेना पड़ता है, और जो कि मौसी और रिया शावर ले रहे हैं, फिर उसके बाद जाना पड़ता है स्विमिंग, जाते हैं फिर स्विमिंग पूल में। तो दोस्तों ये दोनों देख सकते हो आप कितना इन्जॉय कर रहे हैं शावर लेते हुए। तो दोस्तों चलो फिर मैं भी करती हूँ, शावर लेती हूँ, फिर उसके बाद चलो फिर नहाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है यहाँ देहरादून का स्विमिंग पूल का नज़ारा, अद्भुत नज़ारा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना प्रेटी लग रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो स्विमिंग पूल है ये दो हिस्सों में डिवाइड है, मतलब बीच में उन्होंने जो ये इस तरीके से डिवाइड कर रखा है किसी वायर से, तो इसके लिए करा हुआ, क्योंकि जो ये फ्रंट साइड वाला है ये 4 से 5 फिट का है इसमें, और दूसरा
छः से सात फीट है, जिसमें मतलब अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग है, ताकि मतलब जो स्विमिंग कर सकते हैं वो सात छः से सात फीट वाले में स्विमिंग कर सकते हैं, बाकी जो तीन चार पाँच पाँच फीट का ये वाला है, इसमें जो तीन फीट में नहाना चाहता है, चार फीट में नहाना चाहता है, पाँच फीट में, उनके लिए है। बाकी देख सकते हो आप कितना अद्भुत नज़ारा है, वाओ। और यहाँ पर मतलब फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, जो कि मतलब स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, और बाकी सफाई का तो विशेष ध्यान रखा गया है यहाँ पे। मतलब यहाँ पर क्या होता है, स्विमिंग करते टाइम पे अपने हेयर को भी क्लोज करके सारा मतलब फोल्ड फोल्ड करके जो यहाँ कैप दी जाती है, ताकि इसमें पानी में हेयर भी ना गिरे। तो दोस्तों आप देख सकते हो मतलब कहीं भी साइड से, यहाँ नीचे शूज़ नीचे ही है शूज़ का, कि वहीं से शूज़ उतार के ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे हैं रिया और मासू जी, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आज कोई अभी हम मतलब हमारे वाले इससे पहले वाले बैच में पांच छह थे, वो निकल गए क्योंकि यहाँ पे एक एक घंटे का शिफ्ट है। और अभी क्या है कि हम लोगों की टीम में सिर्फ हम तीन हैं, अभी तक कोई आया नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है सच में। दोस्तों आप देख सकते हो हम तीनों के तीनों कितना इंजॉय कर रहे हैं, और देख सकते हो आप मासी साइड में, और रिया तो आज रिया का फर्स्ट टाइम है स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने का, तो रिया भी बहुत इंजॉय कर रही है। दोस्तों आप मुझे देख सकते हो, मुझे बस स्विमिंग पूल में तैरना बहुत पसंद है। तो दोस्तों अभी मासी और मैं बहुत ही मस्ती कर रहे हैं पानी में, तो मुझे इतना मज़ा आता है ना दोस्तों, मासी और मैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं, रिया भी साइड में जाके इंजॉय कर रही है पानी में। तो दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ का नज़ारा भी देख सकते हो आप, साइड में इतने प्यारे प्यारे प्रेटी प्रेटी पेड़ भी लगे हुए हैं, और काफ़ी अच्छा इन्होंने डेकोर भी किया हुआ है यहाँ को। और यहाँ की फैसिलिटी तो आपको पता ही होगी, यहाँ पर बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ पर आप अपने चाइल्डों को मतलब उनके साथ पिकनिक मनाने के पर्पज़ से भी आ सकते हैं, और चाइल्ड के लिए यहाँ पे बहुत सारा जैसे बैडमिंटन वगैरह आप खेल सकते हैं बच्चों के साथ, मतलब यहाँ लेके यहाँ पे काफ़ी स्पेस है बच्चों के लिए भी, और आप देख सकते हो। और दोस्तों आपको मैं सब एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या है कि आप अगर अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो भी कॉटन के ना हो, जिनमें कलर निकलता है, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते वो वाली ड्रेस पहन के स्विमिंग पूल में जाने के लिए। तो दोस्तों आप ऐसे कपड़े यहाँ पर लेके आइए स्विमिंग कॉस्ट्यूम, ताकि जिससे कलर ना निकलता हो तो ये अलाउ कर देते हैं, वरना यहाँ पर अवेलेबल है। इसका चार्जेस 30 रुपीज़ है, और जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों आप आइए और बहुत इन्जॉय कीजिए, गर्मियों के मौसम में तो अगर आपने स्विमिंग पूल के मज़े नहीं लिए तो कुछ नहीं लिया, बहुत मज़ा आता है गर्मियों में स्विमिंग पूल में। तो दोस्तों आप देख सकते हो हम तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, और हमें इन्जॉय करते हुए देख के ज़रूर आप लोग भी इस ब्लॉग को देख के बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत इन्जॉय करें। दोस्तों अगर आपको ये वाला ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, ये मैं खुद से बोल रही हूँ, तो दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा करो कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। दोस्तों डेली वेयर ब्लॉग तो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्योंकि बेबी भी है तो डेली वेयर तो नहीं बना पाती, लेकिन एक एक दो दो दिन छोड़ के तो बना ही लेती हूँ। तो दोस्तों वैसे हमने बहुत इन्जॉय कर लिया है, बहुत इन्जॉय कर ही रहे हैं। तो दोस्तों अब क्या है कि एक घंटा हमारा पूरा होने वाला है, और हमें अभी हमने इनसे 15 मिनट और ले लिए हैं कि प्लीज़ थोड़ा 15 मिनट और दे दीजिए, अभी कोई आया नहीं है दूसरे बैच में, तो प्लीज़ हमें 15-20 मिनट और दे दीजिए। तो उन्होंने हमें 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो हम 15 मिनट में और इन्जॉय कर रहे हैं कि हम 15 मिनट में कितना इन्जॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद 15 मिनट के बाद हम लोग निकलते हैं घर के लिए। तो दोस्तों चलो फिर आप देख सकते हो हमें एंजॉय करते हुए, पहले एंजॉय कर लेते हैं फिर आपके साथ मिलते हैं।
दोस्तों आपने देखा, हमने बहुत ही इंजॉय करा और हम लोग अब नहा गए। हमारे बाद दूसरा बैच आ गया है, वहाँ पे दो ही लग रहे हैं, दो ही नहा रहे हैं। अभी हम लोगों ने फिर से देख सकते हो आप, कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। रिया और मौसी चले गए हैं, तो दोस्तों अभी निकलते हैं घर और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया दोस्तों। तो दोस्तों चलो फिर चलते हैं घर। और यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर क्या है कि टिकट के चार्जेस बढ़ गया है। पहले यहाँ 150 था, 200 हो गया है एक का। तो दोस्तों चलो फिर चलते हैं घर। तो दोस्तों अभी रिया मौसी के साथ जा रही है और मैं अभी अकेली जा रही हूँ। तो दोस्तों चलो फिर आपको मिलते हैं घर पे। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। तो दोस्तों मैं और रिया और मासी घर पहुंच गए हैं, आप लोगों के साथ सारा शेयर किया है कि कितना इंजॉय किया। तो दोस्तों सीरियसली कल से ज़्यादा मज़ा आ जाया। तो दोस्तों चलो फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नई ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों चलो फिर अपना ख्याल ऐसे ही रखिए करो दोस्तों, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तो दोस्तों चलो फिर मिलती हूँ आपसे अपने नई ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।